औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामिन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू ग्रामर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपसे गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो लाइक करें और साथ साथ ये वीडियो आखिर तक देखें, ताकि आज के उनवान के हवाले से तमाम बातें आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। आज उर्दू ग्रामर में हम एक नसर निगार खातून की नसर पर तनकीदी नोट लिखने की कोशिश कर रही है, और वो खातून खदीजा मस्तूर। यानी हम पहले ये उन्वान दे देंगे कि खदीजा मस्तूर की नसर निगारी पर तनकीदी नोट, या आप उन्वान दीजिए। फिर इसके बाद इस तरह शुरू करें कि उर्दू अदब की ख्वातीन नावल निगारों में एक दरख्शिंदा और मोतबर नाम खदीजा मस्तूर का है, जो एक पठान घराने से ताल्लुक़ रखती है और आंगन जैसा लाजवाल नावल लिखकर आदम जी एवार्ड हासिल कर लिया। आजकल उर्दू नावल निगारी में इसी नावल के बाइस बड़ी शोहरत और काबिल कदर हवाला रखती है। खदीजा मस्तूर ने एक औरत होने के नाते अपनी कहानियों में ज़्यादातर औरतों के मसाइल को पेश किया है। उन्होंने एक ऐसे निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाई है जो औरतों को एक ख़ास जबर के तहत रखता है। उनका अंदाज़ी तहरीर बहुत सादा, रवा दवा और दिलकश है। वो उर्दू अदब में एक हकीकत निगार और हकीकत पसंद नावल निगार की हैसियत से जानी जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कलम को बेजा तसन्नो व बनावट, मसनूयत और बाजारीपन से आलूदा नहीं करने दिया। वो किरदार निगारी और मुकालमा निगारी में भी ख़ास महारत रखती है। इसलिए हर किरदार को पेश करते हुए उसके माहौल और ज़हनी कैफियत को ख़ास तौर पर मलहूज़ खातिर रखती है। तो उम्मीद है कि आज आप अच्छी तरह सीख चुके होंगे कि हम खदीजा मस्तूर की नावल निगारी या नसर पर अच्छा तनकीदी नोट किस तरह लिख सकते हैं। आइंदा किसी नए उनवान तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।